हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लिपन आर्ट मिरर वर्क के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने आईक्राफ्ट से शेप इजी करके एक क्ले है वो मंगाया। इसमें दो पैकेट्स आते हैं, एक रेड और एक ब्लू। दोनों को ऐसे खोल के हमें मिक्सर करना है। मिक्सर करने के बाद में एक फाइनल क्ले तैयार होगा जिससे कि हम लिपन आर्ट बना सकते हैं। अगर कोई भी इसमें का एक ही यूज़ करते हैं तो चिपचिपा रहेगा। अगर दोनों भी इस तरह से मैं जिस तरह से बता रही हूँ इस तरह से हमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में ही वो स्टिकीनेस जो भी कुछ है वो चला जाता है, एकदम सॉफ्ट गोला बन जाता है, और उसी के बाद में हम उसका लिपन आर्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं उसको सॉफ्ट किए जा रही हूँ जब तक कि उसका एक फॉर्म नहीं बन जाता है, जिससे हमारा एक लाइन नहीं बन जाती है उस तरह, तब तक के हमें इसको सॉफ्ट करते जाना है, पूरा अच्छे से मिक्स करना है, तभी जाके वो लिपन आर्ट बन पाएगा। जो हमें लाइंस बनानी हैं उसके लिए एकदम सॉफ्ट ज़रूरी है, तो इतने अच्छे से मिक्सचर करना पड़ेगा आपको ताकि वो अच्छे से लिपन आर्ट बन सके। इस तरह से मैं देख रही हूँ एक बार कि वो हुआ है नहीं हुआ है, बट वो टूट टूट के जा रहा है, तो इसलिए मुझे वापस से मिक्स करना पड़ेगा। छोटा सा पार्ट लेना है और इस तरह से लाइंस बनानी है हमें। ये देखिए, मैं अभी इसके इस तरह से लाइंस बना रही हूँ। ये हमें एज अ लिपन आर्ट यूज़ करना है। ये क्ले हमारा बन गया है और मैं इसके ऐसे ऐसे लाइंस बना रही हूँ, तो हमें अब जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में बना देगा। आपको सबसे मेन चीज़ करना है, ये जो क्ले बनने के बाद में एक पेपर में या फिर जो भी अपने पास कॉटन का क्लॉथ भी है अगर, तो उसमें अंदर से अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि ये गीला गीला रहे। अगर ये सूख गया तो ये पत्थर जैसा बन जाएगा। तो देखिए, मैंने ग्लू के मदद से इसको ऐसे चिपका दिया है, और चिपकाने के बाद में मैं इसे कटर की मदद से कट कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो सर्कल का शेप है वो बराबर नहीं आया है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा गया है, तो अपने हाथों की मदद से या कटर की मदद से उसको अच्छे से शेप दे दें। फिर उसके बाद में वापस से हमें कंटिन्यूस इसको बेलना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से बनाना है, और अलग अलग शेप्स देने हैं। सो क्ले से काम जब भी करते हो आप, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात तो है, इसे जब भी मिक्सर बनाया जाता है ये आधे घंटे के ऊपर नहीं रहता है, और इसको आधे घंटे तक भी रखना बहुत ही मुश्किल है, बट इसको हमें कॉटन के कपड़े में जो कि थोड़ा सा गीला है उसमें रख सकते हैं, या फिर जो क्लीनिंग वाइप्स आते हैं उसमें रख सकते हैं। मुझे तो ये तुरंत करना था, इसलिए मैंने ये पैकेट में ही इसे रख दिया, इस तरह से मैंने इसे रख दिया था। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखें कि आपको जितना चाहिए क्ले बस उतना ही यूज़ करें, उतना ही मिक्स करें। ज़्यादा अगर करोगे तो आपका जो भी एक्स्ट्रा का रहेगा वो एक तो वेस्ट हो जाएगा, या तो फिर तुम उसको दूसरे इसमें काम में तुरंत के तुरंत यूज़ करना है। तीसरी चीज़, इसको फेविकॉल से ही आपको चिपकाना है, और ग्लू यूज़ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो ग्लू इसे स्टिक नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो इसे फेविकॉल से ही यूज़ करते हैं। फिर चौथी चीज़ ये है कि आप जब भी इसे मिक्सचर कर रहे हो तब ही इसे कलर कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा सा कलर, कोई भी कलर मीडियम यूज़ कर सकते हो आप, सिर्फ पेंसिल कलर छोड़ के कोई भी मीडियम, जैसे एक्रेलिक हो गया, चॉक पेंट हो गया, वाटर कलर हो गए हैं, इस तरह से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे अगर आपको वाइट ही रखना है तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी आपको इसे वाइट कैसे रखना है। फिर पांचवी चीज़ ये है कि इसको कोई भी शेप दे सकते हो। मैंने जैसे इस तरह से गोलाकार लाइंस दिए हैं, आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो। जिस तरह से अगर मैं इसको फ्लावर्स बनाना है तो मैं फ्लावर्स की शेप में दूंगी, अगर मुझे इसे लीव्स बनाना है तो मैं लीव्स के इसमें दूंगी। तो जिस तरह से भी आपको इसको मोल्ड करना है इसको मोल्ड कर सकते हो, क्योंकि इतना सॉफ्ट रहता है कि कोई भी चीज़ में इसको मोल्ड कर सकते हो। ये चीज़ें हमें क्ले को यूज़ करते समय ध्यान में रखनी है। देखिए, मैं किस तरह से इसको शेप्स दे रही हूँ और कट कर रही हूँ, और नेक्स्ट वाला शेप वापस से वही से ही दे रही हूँ, ताकि मेरा जो भी कोई एक्स्ट्रा का क्ले है वो उसे यूज़ कर सकूँ मैं। ये देखिए, मैं इस तरह से ही दे रही हूँ, मुझे वापस वापस वो लाइन बनानी नहीं पड़ती है।
और इसको फेविकॉल से ही यूज़ करना है वरना ये चिपकेगा नहीं। तो देखिए मैं शेप्स थोड़े से बिगड़ रहे हैं, तो मैं उसको हाथ से ही कर रही हूँ। कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप घर पे ही सारे टूल्स बना सकते हो इसके। कोई भी चम्मच लो उसे टूल बन जाएगा, कोई भी आपको पेन का ढक्कन है उसे वो भी वो आपका टूल रहेगा। इस तरह इसमें देखिए मैं किस तरह से आप शेप दे रही हूँ, और शेप देने के बाद में मैं उसे फेविकॉल की मदद से चिपका रही हूँ। जिस तरह से मैंने अभी तक बताया है उसी तरह से मैं सारे शेप्स देके इसे डेकोरेट करूँगी। ये जो शेप इजी है ये आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएगा, चाहे आप आईक्राफ्ट का ख़रीदो, चाहे आप इट्सी बिट्सी का ख़रीदो, या फिर कोई भी और ख़रीदो, तो ये इसी पैक में आएगा और इसका ऐसे ही यूज़ करते हैं। मेन चीज़ आपको ये क्ले से रिलेटेड बताती हूँ, ये कोई भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका कपड़ा हो, पेपर हो, टाइल्स हो, दीवार हो, कांच हो, या कोई भी है, तो ये सारे सरफेस पे काम में इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है एंडलेस है, आप चाहे दीवार पे भी लिपन आर्ट बना सकते हो, चाहे टाइल्स पे भी बना सकते हो, किसी भी तरह इसको बस शेप दीजिए और इसका बना दीजिए। अभी गणेश जी का फेस्टिवल आ रहा है तो आप गणेश जी भी बना सकते हो, गणेश जी के जो डेकोरेशन है वो भी बना सकते हो इसे। तो मैं देखिए एकदम लाइन जैसे एक जैसी लाइन बनानी है हमें, और इसको चिपका देना है फेविकॉल की मदद से इस तरह से। तो ये मैं पूरा अभी तैयार करके रख दूँगी, और तैयार करने के बाद में मैं इसे वाइट कलर के पेंट से पेंट करूँगी। तो देखिए मैंने सारा जो भी शेप है एक जैसा शेप कर दिया है हाथ की मदद से। अब हम इसे कलर करते हैं। कलर करने के लिए मैंने कोई भी वाइट कलर का यूज़ किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चॉक पेंट ही यूज़ करना है, ये वाला ब्रांड यूज़ करना है, कोई भी आप कलर ले लो उससे वाइट कलर से कर दो। और उसके बाद में मैं सारे कलर्स करूँगी। मैं वाइट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब मिक्सर किया था क्ले का तब मैंने वाइट का यूज़ नहीं किया था, मैंने जैसा क्ले आया था मैंने वैसे उस तरह से ही यूज़ किया था, तो ये थोड़ा मडी कलर रहता है इसलिए मैंने इसको वाइट कलर कर दिया है। और इसके बाद में मैं सेकंड पार्ट में अब आपको बताऊँगी कि इसको कलर कैसे करते हैं, मिरर वर्क कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।